सफल हुआ 6000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण। MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि। क्या है MIRV तकनीक, कैसे भारत ने मिशन दिव्यास्त्र को पूरा किया और इसके तहत हथियारों का निर्माण व सफल परीक्षण हुआ। क्या है अग्नि 5 मिसाइल की विशेषताएं, ये चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों के लिए कितनी खतरनाक है। क्या सच में अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई दिशाओं में वॉर करने में सक्षम है। क्या भारत का मिशन दिव्यास्त्र भारत को मजबूती और दुश्मनों को चुनौती देने में सक्षम है। क्या आप MIRV तकनीक के बारे में जानते हैं। क्या आपको अग्नि 5 मिसाइल की ताकत और उसकी क्षमताओं की जानकारी है। क्या आप मिशन दिव्यास्त्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो यकीनन आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर MIRV तकनीक क्या है, इससे लैस अग्नि 5 मिसाइल क्यों भारत के लिए खास और दुश्मन देशों के लिए खतरनाक है, मिशन दिव्यास्त्र क्या है और अग्नि 5 मिसाइल की ताकत क्या है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले महीने ही यानी कि 11 मार्च को ही MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। दोस्तों, ये परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र का ही हिस्सा है। बता दें कि अग्नि 5 के सफल परीक्षण को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया है। वैसे तो इससे पहले भी अग्नि मिसाइलों के सफल परीक्षण किया जा चुके हैं, लेकिन अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के समान है। जी हाँ, दरअसल अग्नि 5 मिसाइल को MIRV तकनीक से लैस किया गया है। अब ज्यादातर लोगों को MIRV तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर MIRV तकनीक है क्या, इससे किसी मिसाइल की क्षमताओं में क्या बढ़ोतरी होती है। MIRV तकनीक क्या है। दोस्तों, MIRV तकनीक से लैस मिसाइल के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई टारगेट्स पर एक साथ हमला किया जा सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही इस तकनीक से लैस मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में भी सक्षम होते हैं। MIRV तकनीक ही मिसाइल को लंबी दूरी की मिसाइल बनाती है। बता दें कि भारत ने इस तकनीक से लैस मिसाइल का सफल परीक्षण करके खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देशों के साथ खड़ा कर लिया है। दोस्तों, MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल को सबसे पहले 1968 में डेवलप किया गया था, जिसके बाद महज 10 सालों के भीतर ही अमेरिका ने MIRV पर बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। फिर इसके बाद 1957 में अमेरिका ने ही MIRV बेस्ट सबमरीन का टेस्ट भी किया था। दोस्तों, MIRV तकनीक के जरिए मिसाइल में लगे बूस्टर को पुश करके फ्री फ्लाइट सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ को टारगेट किया जाता है। बूस्ट फेज के बाद रॉकेट मोटर बस में लगे ऑन बोर्ड रॉकेट मोटर को कंप्यूटराइज्ड इनर्शियल गाइडेंस दिया जाता है, जिससे कि ये एक साथ अलग अलग टारगेट पर हमला करती है। एल तो दोस्तों ये तो अपने जाना कि MIRV तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है। आइए अब MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जानते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल भारत की सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर काफी अहम है। बता दें कि अग्नि 5 की रेंज में लगभग पूरा एशिया, चीन के अंतिम उत्तरी क्षेत्र और यूरोप के भी कुछ हिस्से आएंगे। जी हाँ, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर की है और इसकी इतनी ज्यादा रेंज ही इसे बहुत खास बनाती है, क्योंकि इससे पहले की अग्नि मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर की ही थी। बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल बड़ी ही सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। ये अपने लक्ष्य तक बिना किसी गलती के पहुंच जाने में सक्षम है। अग्नि 5 में न्यूक्लियर वेपन्स ले जाए जा सकते हैं। इसे जमीन या समंदर में तैनात पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल DRDO द्वारा डेवलप की गई 3 चरणों वाली यानी कि रोड मोबाइल, कैंस्टराइज्ड और सॉलिड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता दूर स्थित अपने टारगेट्स पर सटीक हमला करने में काफी माहिर है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि MIRV तकनीक क्या है और इससे लैस अग्नि 5 मिसाइल कितनी शक्तिशाली और सक्षम है। आइए अब मिशन दिव्यास्त्र के बारे में जानते हैं।
क्या है मिशन दिव्यास्त्र? दोस्तों, साफ शब्दों में मिशन दिव्यास्त्र और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसके तहत अग्नि 5 मिसाइल को डेवलप किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही मिशन दिव्यास्त्र का उद्देश्य भी पूरा हुआ है। बता दें कि जिस हिसाब से मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल को DRDO ने डेवलप करके इसका सफल परीक्षण किया है और इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स के तहत और भी वेपन्स डेवलप किए गए हैं और कई अन्य वेपन्स डेवलप किया जा रहे हैं, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों की बराबरी करके दुनिया को ये साबित कर देगा कि भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में टॉप पर है। आप समझ गए होंगे कि मिशन दिव्यास्त्र क्या है। जी हाँ, ये मिशन अग्नि 5 मिसाइल को MyRV तकनीक से डेवलप करने के लिए किया गया था। तो आइए अब ये जानते हैं कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को किस उद्देश्य से डेवलप किया है। अग्नि 5 मिसाइल को डेवलप करने के पीछे भारत का उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है कि कोई भी देश अपने लिए खतरनाक से खतरनाक वेपन्स इसलिए डेवलप करता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, साथ ही जरूरत पड़ने पर वो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दे सके। अब चूंकि पूरी दुनिया इससे वाकिफ है कि भारत को हमेशा से ही चीन और पाकिस्तान तथा उनके सहयोगी देशों ने परेशान करने का काम किया है, और इसीलिए भारत ने हमेशा से ही कई देशों से ऐसे वेपन्स, फाइटर जेट्स और टैंक्स मंगवाए हैं जिनके जरिए भारत ने कई युद्ध भी लड़े और खुद की सुरक्षा भी की। लेकिन दोस्तों, अब बात पहले की तुलना में अलग है। अब भारत कई तरह के वेपन्स को खुद डेवलप कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण भी किया है जो कि MIRV तकनीक से लैस है। इस तकनीक की खासियत जानकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान भारत के इस अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण से परेशान है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि जब भारत अपने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा था, तब चीन का एक जासूसी जहाज भारत के इस परीक्षण पर नजर गड़ाए बैठा था। और तो और, कई पश्चिमी देशों ने भी ये माना कि चीन का ये जासूसी जहाज भारत के इस मिसाइल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से हिंद महासागर में आया था। तो दोस्तों, इस बात से ये तो साफ है कि चीन की परेशानी अग्नि 5 मिसाइल ने बढ़ा दी है। हालांकि अब भी चीन हथियारों के मामले में भारत से थोड़ा आगे है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भारत चीन से कमजोर है। अब न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका तक का भी ये मानना है कि भारत से उलझना किसी भी देश के लिए काफी बुरा साबित होगा। भारत अब सिर्फ बात विचार से अपने मामले को नहीं सुलझाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने से भी पीछे नहीं हटने वाला। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो के जरिए अग्नि 5 मिसाइल, MIRV तकनीक और मिशन दिव्यास्त्र के बारे में जाना। आपका क्या मानना है? क्या भारत अग्नि 5 मिसाइल और अन्य कई तरह के वेपन्स को डेवलप करके एकदम सही रास्ते पर है? क्या भारत को और भी तेजी से कई और वेपन्स को डेवलप करना चाहिए? क्या भारत को जल्द से जल्द हथियारों के मामले में चीन और अमेरिका जैसे देशों की बराबरी करनी चाहिए? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।